हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका भारत एक मौज में। एक और एपिसोड लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ। कितनी मौजें हैं ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जो भी कुछ है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आइए देखते हैं इस बार का भारत एक मौज। दोस्तों, ये अर्णब गोस्वामी जर्नलिस्ट नहीं है। एक्चुअली में अगर आप देखो ना, तो ये टीवी पे बोलने वाला, अंग्रेजी में बोलने वाला, सोफेस्टिकेटेड दिखने वाला एक हिंदुस्तानी भाऊ ही है। वो बेचारा हिंदी में बोलता है और ये अंग्रेजी में आके बोलता है, बात दोनों सेम ही कर रहे होते हैं। मतलब ये न्यूज़ के नाम पे जो है मनोहर कहानियां बेचता है यार। मतलब ये एक बेगुनाह इंसान को उस क्राइम में घसीटता है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, जो उसने करा ही नहीं है। मर्डर, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। उस बेचारी एक लड़की को एक महीने तक जेल में रहना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशन किया उसका, एक मरे हुए इंसान को चार महीने बाद तक ये घसीटता रहा, ये कह के कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, हमें सब पता है, ये तो मर्डर है। और मतलब ये अपनी टीआरपी के लिए ये 500 रुपये रिश्वत देता है। और ये वही बंदा है जिसने दिल्ली में NTCA NRC प्रोटेस्टर्स जो थे उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये पैसे लेके प्रोटेस्ट करते हैं। भाई तू तो पैसे लेके टीआरपी खरीद रहा है। Was only and only about और ये और अपने आप को जर्नलिस्ट बोल रहा है, तू जर्नलिस्ट नहीं है। और जब पुलिस ने पकड़ लिया इसका फ्रॉड, तो बिल्कुल टिपिकल बुली बिहेवियर कि जब तक आप दूसरे को, अपने से छोटे को या अपने से कमजोर को आप दबाते रहो, बुली करते रहो, तब तक सब ठीक है। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर उंगली उठ जाए, आप ना चार दुनिया में शोर मचाना शुरू कर देते हो, हम देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। इज इट एथिकल मिस्टर पुरी व्हाट यू ट्राइड टू डू एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर? व्हाट वाज द नीड टू डू दिस? होना आपसे कुछ नहीं है। आपने किया क्या? आपने एक पुरानी क्रांतिकारी कविता टीवी में बोलने की कोशिश करी, वो भी आपसे बोली नहीं गई। इतने बड़े तो आप नेशनलिस्ट हो, वो भी आपने तोड़ मड़ो के पेश कर दी। आपको जो है मतलब ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में सब एजेंसीज ने, जैसे कि मैंने कहा, बोल दिया है कि यार ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है, लेकिन ये शोर मचाया गया, ये झूठ पे झूठ बोले गया। प्रूव्स दैट दिस वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और हम सब सुनते रहे, उसको कंज्यूम करते रहे। आप तो पता नहीं कितना कंज्यूम किया, क्योंकि इसके टीआरपी भी झूठे थे, पता नहीं कौन सुन रहा है इसकी बातें। लेकिन हाथरस के केस में वो लड़की कह कह के मर गई कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन उसके बारे में बोलने से पहले इसके मुंह में रसगुल्ले भर गए, इसके मुंह से एक बात ही नहीं निकली। और मैं मतलब तुम कैसे जर्नलिस्ट हो यार? तुम अगर जस्टिस और इंसाफ की बात करने के बजाय तुम इनजस्टिस कर रहे हो यार। तुम्हारे में और वो रवांडा रेडियो में कोई फर्क नहीं है। रवांडा रेडियो के बारे में पढ़ लो दोस्तों जाके, उन्होंने किस तरीके से तुत्सी ट्राइब के अगेंस्ट जो है एक टैरियट चलाया था रेडियो के ऊपर, जिसकी वजह से वहां पे जेनोसाइड हुआ था। ये यहाँ का रवांडा रेडियो है, ये जर्नलिस्ट नहीं है। डू मरो यार, डू मरो। The Mumbai police has categorically stated here that India Today is not an accused, whereas Republic TV is an accused in this particular scam, and that's why heat is now mounting. TRP bhi galat tarike se chhedchhad ki gayi. TRP system par sawal uthane wala News Nation ek matra channel tha. Arnab Goswami of Republic Television was buying ratings, fixing the TRP system, paying people, and all those fools discussing ratings on other channels need to listen to me. You've lost your face everywhere. मैं तो कहता हूँ इस आदमी ने इतना ड्रामा किया और दिन पर दिन इसके ड्रामे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसको इम्प्यूनिटी लगती है। इसको लगता है कि मैं कुछ भी बंदरगिरी करूंगा यहाँ पे आके, लोग मेरे को जर्नलिस्ट मानेंगे और लोग मेरे को नंबर वन मानेंगे, मैं करता रहूंगा और मैं खरीदता रहूंगा अपने नंबर वन, लोगों को बताता रहूंगा झूठ पे झूठ। ये आदमी वो करे जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर जाने भी दो यार, इस मुल्क में दोबारा बनती है ना कभी, तो उसका जो आइकॉनिक महाभारत वाला सीन है ना, जिसमें टोटल केओस है। मैं वचन दे चुका हूँ, द्रौपदी को छूने से पहले मेरा सर फोड़ना होगा। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा है, टोटल ड्रामा हो रहा है, आप फंस के लोटपोट हो जाओगे। एक दिन जब ये समाज थोड़ा इवॉल्व करेगा, जब इसकी अकल ठिकाने आएगी, जब इसको ये मालूम पड़ेगा किस किस ने इस समाज को बर्बाद किया है, किस किस ने इस देश को बर्बाद किया है, तब वो जाने भी तो यारों अगर दोबारा बनेगी तो उस महाभारत आइकॉनिक सीन में एक कैरेक्टर ये अर्णब गोस्वामी भी होगा और एक एक्ट होगा पूरा का पूरा इसके ऊपर, और लोग हंस के लोटपोट हो जाएंगे। मगर उसमें वक्त है अभी। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सल कनेक्शन सामने आया है हाथरस कांड में। शर्मनाक देखो व्यूअर्स, ये खुला और नंगा नाच देखो इन नेताओं का। अमीश जी आप गलत कर रहे हैं आज। दोस्तों वैसे तो इस प्रोग्राम का नाम है भारत एक मौज, लेकिन इस देश में दिन ब दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहती हैं कि उनको मौज कहना मुझसे अब नहीं होता। मैं ना उनको मौज की तरह दिखा पाता हूँ, लेकिन जो है वो तो दिखाना बहुत जरूरी है। अब हाथरस में जो भी कुछ हुआ वो किसी से छुपा है नहीं। अगर हम गौर से देखना चाहें तो सच हम सबको पता है कि वहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन प्रशासन ने जो किया वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो भी जग जाहिर है। उसके बारे में भी ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सब बातें आपने सुन ली हैं।
बात यह है कि उसको मतलब अक्यूज को डिफेंड करने के लिए और इस केस को ट्विस्ट करने के लिए लोग किस्म किस्म की थ्योरीज ले लेके आ रहे हैं। मतलब ये तो वो कंट्री है जहाँ पे मतलब ये कहा जा रहा है कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कोई और काम नहीं मिला हुआ कि इंडिया में हाथरस में जाके एक बच्ची को गैंग रेप करवा के और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दें, उसकी जबान काट दें, ताकि हिंदुस्तान का जो फैब्रिक है, जो सोशली इतना स्ट्रांग है, जो इतना साथ मिलजुल के रहता है, यहाँ तो कभी कुछ इससे कास्ट रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है और रिलीजन रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है, ये करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बता दी। कोई कह रहा है कि भाई जो उसकी रिलेटिव है एक, वो नेक्सलाइट है। अब मेरे को दोनों बातों का कनेक्शन समझ में नहीं आता कि आप ये नेक्सलाइट, मैं तो कह रहा हूँ चलो मान लो वो नेक्सलाइट है, मान लिया मैंने आपकी जो फजूल की बकवास जो आप इंडिया ने करी कि वो नेक्सलाइट है, मैंने मान लिया, तो क्या नेक्सलाइट के रिश्तेदारों के साथ ये होना जायज़ है? ये करा जाएगा? ये एक सभ्य समाज में होता है क्या? इसमें हमारा दिल नहीं दहलता क्या जो कुछ उस बच्ची के साथ हुआ? ये वो कंट्री है जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स रेपिस्ट हैं, जो मतलब पोजीशन ऑफ पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैठ के इस तरह के बयान देते हैं कि यार लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। कोई कहता है कि रेप इंडिया में होते हैं, हिंदुस्तान में नहीं होते। कोई कहता है कि भाई नहीं, उस लड़की का उन लड़कों के साथ अफेयर चल रहा था। मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर अफेयर मान ली मैंने, अफेयर चल रहा है तो फिर उसका अंजाम ये होना चाहिए क्या? कोई कह रहा है कि ये नहीं, अफेयर चल रहा था तो इसलिए लड़की के घर वालों ने ही मार दिया है, ऑनर किलिंग है। मैं इन साहब से ये बोलना चाहता हूँ कि ये ऑनर किलिंग जो है, जो हमारे समाज में होती है, ये एक्चुअली अपर कास्ट का टैलेंट है, लोअर कास्ट का ये टैलेंट नहीं है। और ये लड़की तो दलित थी, हैं? तो अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ये है ना हमारे मुल्क में औरतों के खिलाफ या समाज को तोड़ने के लिए, तो वो ये हैं, वो ये लोग हैं, हैं? इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कोई अगर है तो अर्नब गोस्वामी और ये मीडिया जैसे चैनल जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को विक्टिमाइज किया, एक औरत को इतना परेशान किया, ये है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। अगर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कोई है तो हिंदुस्तानी भाऊ और शुभम मिश्रा जैसे लोग हैं जो खुलेआम वीडियो बना के रेप की धमकियाँ देते हैं, ब्रूटल रेप की धमकियाँ देते हैं, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। जो भी कुछ उस बच्ची के साथ हुआ है वो सबके सामने है, और अभी भी अगर हमारा दिल नहीं दहलता है तो लानत है इस समाज के ऊपर। अभी भी आपको बहुत सारा ऐसे महानुभाव जर्नलिस्ट ये कहते हुए मिल जाएंगे कि नहीं भाई ये तो इसमें कास्ट एंगल क्यों लेके आ रहे हो, ये तो एक क्राइम है, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, बलात्कार गलत है, कास्ट एंगल नहीं लेके आना चाहिए। लेकिन ये विरले लोग हैं, ये अपर कास्ट जर्नलिस्ट ही हैं जो इस तरह की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है कि उस बच्ची के ऊपर ये ज्यादती इसीलिए इतनी और इतना इसलिए कवर अप हो रहा है, इतना इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी कुछ एक्शन हो रहा है वो हो रहा है, सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित थी। और इस एंगल को आप वैसे ही डिसमिस नहीं कर सकते जैसे कि रोहित वेमुला के सुसाइड को आप सिर्फ इतना कह के डिसमिस नहीं कर सकते हैं कि एक इंडियन ने सुसाइड किया है। वी शुड नॉट ब्रिंग कास्ट इनटू इट। डेफिनेटली इट्स अ कास्ट एट्रोसिटी एंड इट शुड बी कंसिडर्ड लाइक वन। प्रनेश, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट द हाथरस मैटर वॉज गिवन एन एंटायर कास्ट स्पिन। कास्ट एट्रोसिटी है और रेप कल्चर हमारे कूट कूट के भरा हुआ है। आप ये देखो, IPL में एक मैच हारने के बाद इंडिया के कैप्टन रह चुके और CSK के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की 5-6 साल की बच्ची को रेप थ्रेट मिल रहे हैं। इसमें तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, है? इसमें तो कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई समाज को बांटने के लिए कोई जो है बाहर से कोई किसके दिमाग में ये भर रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये वहीं से आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी यही है कि हमारे यहाँ जो ये जो पॉलिटिशियंस इस तरह की बात खुलेआम बोलते हैं और इस तरह के ये यूट्यूबर्स और ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स गाड़ी में बैठ बैठ के वीडियो बना के औरतों को तमाम किस्म की धमकियां देते हैं, और ऐसे जर्नलिस्ट जो एक बेगुनाह लड़की को इतना सता दें, उसकी जिंदगी, उसका जीना हराम कर दें, ये है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। जरा सोचिए बिफोर इट्स टू लेट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। मुंबई में जो है इस वक्त बिजली चली गई है, पूरे मुंबई में कहीं पर भी इस वक्त बिजली नहीं आ रही है। दोस्तों, मुंबई में 2 घंटे के लिए बत्ती चली गई तो लोगों को लगा, मुंबई वालों को, कि द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड। उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि यूपी में लोग या हरियाणा में लोग, गुड़गांव एट्सेट्रा में लोग कैसे रहते हैं, नोएडा वगैरह में लोग कैसे रहते हैं, जहाँ पे बत्ती का जाना इवेंट नहीं होता, बत्ती का आना इवेंट होता है। हम तो ऐसी जगह पे पले बड़े जहाँ पे जून की भरी गर्मी में जब टेम्परेचर 46 डिग्री होता था,
तो 16-16 घंटे बत्ती नहीं आती थी। अब हम तो उस तरीके से रहे हैं, और हमारे यहाँ तो लाइट आना जाना तो एक दूर की बात है, हमारे यहाँ तो लाइट टॉर्चर करती थी। वो टॉर्चर कैसे करती थी, आप सोने के लिए लेटे हो और लाइट चली गई है, गर्मी बहुत गंदी हो रही है, आप अपना बोरिया बिस्तर उठा के छत पे जाते हो कि चलो छत पे लेटते हैं। जैसे ही आप छत पे लेटते हो, क्योंकि छत पे तो बहुत मोटे मोटे मच्छर, वो भी तो अपना खून पिएंगे ना छत पे, मोटे मोटे मच्छर, जैसे ही आप लेटो थोड़ी आग लगेगी, लाइट आग जाती है, फिर आप बिस्तर लेके आगे करके नीचे भागते हो, नीचे जाके लेटते हो, 5 मिनट लेटते हो, फिर चली जाते हैं, फिर आप भागते हो ऊपर, रात भर यही चलता रहता है। तो दिस इज सैडिस्टिक, ये टॉर्चर है। तो हम ऐसे रहे, हमारे यहाँ माहौल ये था कि गैजेट तो सब आ गए, जैसी थोड़े से पैसे वैसे आने लग गए तो वॉशिंग मशीन भी आ गई और कूलर शूलर भी आ गए, लेकिन ये सब चीज़ें चलती तो लाइट से है ना। तो लाइट जब भी आती थी, बत्ती जब भी आती थी, तो बस एक मेला जैसा लग जाता था घर में, कि जितने भी घर में कपड़े हैं वो सब वॉशिंग मशीन में धुलने लग जाते थे, और जो कपड़े ऑलरेडी धुले हुए वो भी धो देते कि पता नहीं दोबारा मौका कब मिले, वो वॉशिंग मशीन आई है तो इसको इस्तेमाल तो कर लो। तो ये तो हमारे यहाँ, हम तो इस तरीके से बड़े हुए, हमारी तो कमांडो ट्रेनिंग हुई है, और आप 2 घंटे नहीं झेल पाए, 2 घंटे लाइट गई है बस आपकी, थोड़ा चिल करो यार। दोस्तों, गुवाहाटी के एक चिड़ियाघर में एक वाइट टाइगर है। अब टाइगर है यार, वो मांस खाता है, और उसके लिए बीफ जा रहा था, तो पता नहीं गुवाहाटी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या सूझी, उन्होंने इस बात पर एजिटेशन करना शुरू कर दिया कि भाई शेर भी बीफ नहीं खाएगा। यार इंसानों तक तो फिर भी मेरे को समझ में आता था कि आप उनसे बात करके उनको समझा सकते हो कि भैया मत खाओ, शेर को क्या बोलोगे यार, उसका तो नेचुरल फूड है, वो जंगल भर में यही मार मार के खाता है, अब आपने उसको चिड़ियाघर में बिठा लिया, उसको खाना भी मत दो खाने के लिए, यार ये कैसा लॉजिक है यार, वो नेशनल एनिमल है, आप क्या करोगे उसको, ढोकले खिलाओगे या साबुदाने की खिचड़ी खिलाओगे, कुट्टू के आटे की रोटी खिलाओगे उसको, या उसको ये भी बोलोगे नवरात्रि भी रख ले भाई। ये कोई तरीका होता है यार जाके, वो नेशनल एनिमल है, आप जाके उससे आर्ग्यू तो करो एक बार जाके, बताओ, वो वाइट टाइगर है यार, उसको समझाओ एक बार जाके, भाई हम तेरे को बीफ खाने को नहीं देंगे, समझाओ, देखो समझ जाए तो कुछ, तो यार कुछ तो ऐसी बात करो कि जो रीजनेबल हो। जानवर को, शेर को ये बोल रहे हो तू मांस नहीं खाएगा, कमाल है भाई। दोस्तों, देश में इतना कोहराम मचा हुआ था, स्टूडियो में इतना कोहराम मचा हुआ था, रिया, सुशांत, हाथरस और बहुत कुछ जो है हो रहा था। इस बीच में चुपचाप मौके का फ़ायदा उठा के दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने कट ऑफ परसेंटेज 100% कर दिए एक कॉलेज में। मतलब सोच लो आप, अगर आपका एक भी नंबर कटा तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, 100% आपके मार्क्स होने चाहिए। सोचो, मैं तो उन बच्चों को सोच रहा हूँ जिनके 98% मार्क्स आए होंगे और उनका कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, इस कॉलेज में नहीं हो पाएगा एटलीस्ट, हैं उनके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे। आपको तो हिंदुस्तानी माँ बाप का पता ही है, छोटी सी बात का बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, उतना सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, हमारी औलाद इतनी नलायक, सिर्फ 98% लेके आई, सिर्फ 98%, रहम करो यार। इसी को प्रलय कहते हैं, इसी को एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, जब कट ऑफ 100% पे पहुंच जाए। इसको कट ऑफ क्यों कह रहे हो, इसको कट थ्रोट ही कह दो ना यार। अगली बार, अगले साल क्या करोगे, अगले साल बच्चों को बोल देना भैया मार्क्स तो लेके आ रहे हो 100%, उसके साथ अपनी किडनी भी लेके आओ, जिसकी किडनी अच्छी होगी उसको एडमिशन मिलेगा। ये सब हो रहा है इस देश के अंदर, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने भोले आदमी हैं, उन्होंने फिर भी बोला कि पवन चक्की में से ऑक्सीजन भी निकल सकती है, पानी भी निकल सकता है। एक विंड टर्बाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे को कई दिन लगे इस बारे में गहन चिंतन करने में कि ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, कैसे करेंगे, लेकिन अब उन्होंने बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा, तो फिर मुझे और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत भोले लगते हैं मेरे को, बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, लोग ना उनका बेमतलब में उनको ना बहुत टफ टाइम देते हैं। मतलब अब उन्होंने वो सुरंग का इंटरनल का इनॉग्रेशन करा, वहाँ पे जीप में बैठ के वो हाथ हिला रहे थे, लोगों ने मीम बनाने शुरू कर दिए कि भैया देखो खाली टनल में हाथ हिला रहे हैं। भाई क्या क्या मतलब है इस बात का, आपको थोड़ी अकल है, वो एक देश के प्रधानमंत्री है, उनको हाथ हिलाने की आदत होनी चाहिए, वो कहीं पर भी हाथ हिला सकते हैं, आपका क्या, और आपको क्या मालूम किस बात के लिए हाथ हिला रहे हैं, कि आप हो सकता है वो ये बोल रहे हो कि भैया मुझे माफ़ कर दो, डोंट कम टू मी, इनफ इज इनफ, लेट मी इनॉग्रेट द टनल। तो
दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज। जो जो खबरें मेरे पास आईं आपके पास भी आई होंगी, ये मेरा टेक था, मैं लेके आपके पास आया। सारी तो मौज नहीं है, इनको मौज कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन इस उम्मीद में कि शायद हालात इम्प्रूव होंगे, शायद हमें बुरी खबरें सुनने को कम मिलें और फिर हम उन्हीं खबरों पर पहुँच जाएँ जहाँ पर जो है निराशा कम और मौज ज़्यादा हो। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत एक मौज। रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल। संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज। पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज। Thank you.